नमस्कार, मैं हूं अंजलि डोगरा। न्यूज हिंद में आपका स्वागत है। अब आज के कुछ मुख्य समाचार। बांदा में अंतिम संस्कार के 5 महीने बाद जिंदा लौट आई बहू, पुलिस जांच में जुटी, दिखेंगे रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बांदा में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां 5 महीने पहले एक महिला का अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन वह जिंदा लौट आई। महिला ने बताया कि उसका अपने पति से झगड़ा हो गया था, इसलिए वह रूठ कर घर चली गई थी। वही अब पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि अगर ये महिला जिंदा है तो परिजनों ने 5 महीने पहले अंतिम संस्कार किसका किया था। मीडिया संस्थानों में चल रही खबरों के मुताबिक मामला बांदा जिले के कालिंजर थाना क्षेत्र का है। बता दें कि राजकरण ने अपनी बेटी सोनू देवी की शादी मरका थाना क्षेत्र के कमलेश कुमार से की थी। पति से हुई बहस के बाद सोनू 8 मई 2018 को ससुराल छोड़कर कहीं चली गई। सोनू के गायब होने के बाद मायके पक्ष ने दहेज उत्पीड़न की शिकायत कमलेश और उसके परिजनों पर दर्ज करा दी। 2 हफ्ते बाद कमासीन थाना क्षेत्र में मिले अज्ञात शव को अपनी बेटी बताते हुए राजकरण ने ससुराल के 5 लोगों पर दहेज की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया और अज्ञात शव का अंतिम संस्कार कर दिया। अवैध बालू ढलान को लेकर जिला प्रशासन ने की छापेमारी, देखेंगे रिपोर्ट। जिला प्रशासन ने शिकायत मिलने पर यमुना नदी से अवैध बालू ढलान करने को लेकर छापेमारी की बड़ी कार्रवाई की। कौशाम्बी जनपद के 2 पट्टाधारकों समेत चित्रकूट के बरियारी कला और बरहा कोटरा गांव के कुल 30 लोगों के खिलाफ अवैध बालू ढुलान कराने की रिपोर्ट दर्ज की गई। नदी से अवैध बालू ढोने की शिकायत पर गुरुवार जिला खनिज अधिकारी मिथिलेश कुमार पांडे ने मऊ SDM संदीप वर्मा, तहसीलदार राजकिशोर व मऊ थाना अध्यक्ष संत शरण भारी पुलिस बल लेकर बिरियारी कला और बरहा कोटरा नदी घाट पर छापेमारी करी। 10 साल पुरानी 40 लाख गाड़ियां दिल्ली की सड़कों से हटेंगी, देखेंगे रिपोर्ट। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने 40 लाख वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। इसमें 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल और 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहन हैं। दिल्ली में कुल 1.10 करोड़ वाहन रजिस्टर्ड हैं। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जाहिर की थी कि दिल्ली में इतने ज्यादा पुराने वाहनों के चलने पर पाबंदी लगाने से NGT और सुप्रीम कोर्ट के 2015 के आदेशों पर अभी तक अमल क्यों नहीं किया गया। दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील के शीर्ष अदालत ने कहा कि NGT द्वारा 7 अप्रैल 2015 को अपने आदेश में दिल्ली NCR में कुल 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन और 10 साल पुराने डीजल वाहनों के प्रचलन पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए थे। 96 साल की उम्र में केरल की कार्तियानी अम्मा ने रचा इतिहास, देखेंगे रिपोर्ट। केरल के अलप्पुझा जिले में 96 साल की कार्तियानी अम्मा ने राज्य भर में चल रही साक्षरता मिशन के तहत अक्षरा लक्ष्मण परीक्षा को पास किया। उन्होंने ऐसा कर दिखाया कि पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती है। उन्होंने 100 में से 98 अंक लाकर नया कीर्तिमान दर्ज किया। आपको बता दें कि अम्मा केरल के अलप्पुझा जिले की रहने वाली हैं। यह एग्जाम 3 विषयों पर ज्यादा फोकस था, जिसमें पढ़ना लिखना गणित शामिल थे। इसी के साथ कार्तियानी अम्मा ने लिखने में 40 में से 38 अंक मिले। पढ़ने और गणित में अम्मा को 100% अंक प्राप्त हुए हैं। इसी के चलते जब अम्मा से मीडिया ने पूछा कि आपका एग्जाम कैसा रहा, तो उन्होंने जवाब देके कहा, जिन प्रश्नों का मैंने तैयारी की थी वह पूछे नहीं गए, साथ ही ये टेस्ट मेरे लिए काफी आसान था। सीलिंग में 15 मिनट जवाब नहीं दे पाया केंद्र, सुप्रीम कोर्ट ने कहा यूं तो बर्बाद हो जाएगी दिल्ली, देखेंगे रिपोर्ट। सीलिंग मामले की अगली सुनवाई के दौरान गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में अभूतपूर्व वाक्य हुआ। अदालत ने साउथ MCD एरिया में अवैध निर्माण और कब्जे पर कार्यवाही के बारे में सरकारी अथॉरिटी से जवाब तलब किया। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से जवाब देने के लिए 1 दिन का समय मांगा गया। कोर्ट ने कहा कि जवाब तुरंत चाहिए। इसके बाद ASG, MCD और लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस के अफसरों से ब्यौरा मांगने में जुट गए। इस दौरान करीब 15 मिनट तक सुनवाई रुकी रही। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में संभवतः ऐसा पहली बार हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के जज खुली अदालत में बैठे रहे। सरकारी पक्ष से जवाब का इंतजार होता रहा, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिला। तो ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें मेरे यानी अंजलि डोगरा के साथ। दिख रहे न्यूज हिंद, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।